कोर्ट केसेस पर बनी फिल्में आपने बहुत देखी होंगी। कचहरी में लड़े जाने वाले मुकदमे कई फिल्मों में दिखाए जाते हैं, और चूंकि एक आम आदमी कोर्ट में कम ही जा पाता है, इसलिए ऐसी फिल्में देखने में मजा ही बहुत आता है और लोग बहुत इंटरेस्ट के साथ देखते हैं। ऐसी फिल्मों में सबसे ज्यादा केसेस जो कि दिखाए जाते हैं वो होते हैं रेप केसेस, जिसमें ज्यादातर एक लड़का मुजरिम होता है और उसने रेप किया होता है, और मूवी का मेन मोटिव होता है उसे सजा दिलवाना और लड़की को इंसाफ दिलवाना। लेकिन आज जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो मूवी इन सारी मूवी से बिल्कुल हटकर है। 2019 में रिलीज हुई फिल्म सेक्शन 375 अपने आप में एक अलग कहानी दिखाती है। तो चलिए पहले फिल्म की कहानी के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे इसमें दिखाए गए मुद्दे पर। कहानी के लीड रोल में अक्षय खन्ना है, जो कि शहर के बहुत जाने माने हॉट शॉट वकील है तरुण सलूजा। इस फिल्म में है ऋचा चड्ढा, जो कि हिरल गांधी नाम के एक वकील का रोल कर रही हैं, जो कि जानी जाती हैं औरतों के हक में लड़ने के लिए। फिर आते हैं उन दोनों कैरेक्टर्स पे जिन पर केस चल रहा है। पहले कैरेक्टर हैं रोहन खुराना, जो कि एक जाने माने फिल्म डायरेक्टर हैं, और उसका रोल किया है राहुल भट्ट ने, और उन पर केस किया है अंजलि दांगले नाम की एक लोअर मिडिल क्लास लड़की ने, जिसका रोल प्ले किया है मीरा चोपड़ा ने। तो अंजलि दांगले का ये इल्जाम है कि मशहूर डायरेक्टर रोहन खुराना, जिनकी फिल्म में अंजलि दांगले एक जूनियर कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं, एक दिन जब उनके घर पर कुछ नए कपड़ों के डिजाइन दिखाने जाती हैं, तो उस समय रोहन खुराना उनका रेप कर देते हैं। केस बिल्कुल शीशे की तरह साफ है, और दोनों लोगों के मेडिकल रिपोर्ट से भी ये चीज क्लियर हो जाती है कि दोनों के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स तो हुआ है, तो मेडिकल रिपोर्ट्स को झुठलाया नहीं जा सकता। ऐसे में रोहन खुराना की पत्नी जब अपना केस लेकर तरुण सलूजा के पास आती हैं, तो उनके पास ये केस लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता, क्योंकि वो इस केस को एज अ चैलेंज लेते हैं और उनका हारने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। हिरल गांधी, जो कि एक विमेन एक्टिविस्ट है, उनके पास तो फुल मोटिवेशन है इस केस को जीतने का। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर मेडिकल एग्जामिनेशन और ये रिपोर्ट बताती है कि दोनों के बीच में फिजिकल इंटरकोर्स हुआ है, तो तरुण सलूजा अपने क्लाइंट को बचाएंगे कैसे? ऐसे में उनके पास एक ही रास्ता बचता है कि वो अंजलि दांगले और रोहन खुराना के बीच हुए फिजिकल इंटरकोर्स को रेप के पॉइंट पे से हटा एक कंसेंशुअल सेक्स, यानी कि मर्जी से होने वाले सेक्स में प्रूव कर सके और उसे कन्वर्ट कर सके, जो कि वो कुछ हद तक कर भी देते हैं। लेकिन फिल्म के आखिर तक ना ही तरुण सलूजा और ना ही हिरल गांधी ये साबित नहीं कर पाते हैं कि उस रात रेप हुआ था या रेप नहीं हुआ था। ऐसे में हाईकोर्ट के जजेस के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और उन्हें कानून की किताब के हिसाब से चलना पड़ता है, और कानून की किताब में अंडर सेक्शन 375 ये कहा गया है कि अगर एक मर्द और औरत के बीच में सेक्स होता है और औरत ये केस करती है कि सामने वाले ने उसका रेप किया है, तो इस कंडीशन में अगर जो मर्द है वो औरत से ज्यादा पावरफुल पोजीशन में या उसके सीनियर पोजीशन या बॉस पोजीशन में है, और ये साबित हो जाता है कि उसने लड़की पर किसी तरह का अपना पावर और इन्फ्लुएंस यूज किया हो और उसे किसी तरीके के डर के अंदर में उसके साथ संबंध बनाए हो, तो उसे कोर्ट रेप मानेगा और उसे वही सजा होगी जो कि एक रेपिस्ट को होती है। अजीब नियम है, लेकिन यही सच है जैसा कि फिल्म में दिखाया गया है, चाहे वो रेप साबित हो या ना हो। जब से दिल्ली में निर्भया रेप केस हुआ है, तब से बहुत लोगों को आपने कहते सुना होगा कि रेपिस्ट के लिए सिर्फ एक ही सजा होनी चाहिए, सजाए मौत। ऐसे लोगों को बीच चौराहे पर जिंदा जला देना चाहिए या फिर उसका गला काट देना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई नियम क्यों नहीं बनता? आप बस इतना सोचो कि अगर किसी लड़की ने किसी लड़के पर किसी वजह से गलत रेप केस कर दिया और गलत इल्जाम लगा दिया, तो क्या उसको बिना किसी प्रॉपर जांच पड़ताल और कोर्ट केस के सजाए मौत देना ठीक होगा? अगर वो लड़का इनोसेंट हुआ तो? अगर वो आपका कोई जान पहचान रिलेटिव या कोई दोस्त हुआ और वो निर्दोष हुआ तो? ऐसे केसेस में इन नियमों का कितना बड़ा मिसयूज हो सकता है ये आप जानते हो, और ऐसा होता है ये भी आप जानते हो, क्योंकि फिल्म में ही बताया गया है कि सिर्फ 25% ऑफ द रेप केसेस में ही मुजरिम को गिल्टी पाया जाता है, बाकी 75% केसेस में उसे इनोसेंट पाया गया है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैं वन साइडेड बात क्यों कर रहा हूं। जब हम मूवी के एंड पे आते हैं, अक्षय खन्ना यानी तरुण सलूजा आखिर में ये प्रूफ कर देते हैं कि ये एक रेप नहीं था बल्कि कंसेंशुअल सेक्स था, और उस पर तरुण सलूजा ये भी बोलते हैं कि ये रेप से कम भी नहीं था, लेकिन रेप नहीं था, तो उनके क्लाइंट को रेप की सजा नहीं दी जा सकती। और फिल्म के एंड में अंजलि दांगले जिन्होंने केस किया वो भी अपने वकील हिरल गांधी के सामने ये एडमिट करती हैं कि उनका रेप नहीं हुआ था, लेकिन वो रेप से कम भी नहीं था। तो क्या जो सजा रोहन खुराना को मिलती है
क्या वो जस्टिफाइड है? जब तक ऋचा चड्ढा और फिरल गांधी को ये रियलाइज होता है कि वो गलत साइड से लड़ रही थी और उनकी जो भी एजम्पशन और सोच थी वो पूरी की पूरी गलत थी, उन्हें ये रियलाइज होने तक काफी देर हो चुकी होती है और कोर्ट अपना फैसला सुना चुकी होती है और वो अक्षय खन्ना यानी कि तरुण सरूजा से सिर्फ एक बात कहती है, I don't think justice has been done. जिस पर अक्षय खन्ना रिप्लाई करते हैं, We are not in a business of justice. We are in a business of law. यानी कानून की किताब में इंसाफ से ज्यादा लॉ को यानी खुद कानून को इंपॉर्टेंस दिया जाता है और चाहे मुजरिम हो या वकील उन्हें लॉ के हिसाब से ही चलना पड़ता है। आई थिंक मेरे हिसाब से फिल्म एक काफी अच्छा मैसेज देकर जाती है और कहीं ना कहीं इस पूरे केस का फैसला दर्शकों पर छोड़कर जाती है कि आप क्या सोचते हो उस बारे में, क्या जो हो रहा है वो सही हो रहा है और जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। जहां तक एक्टिंग परफॉर्मेंसेस की बात करें तो सबसे जबरदस्त और सबसे डोमिनेटिंग एक्टिंग मुझे किसी की लगी तो वो थी अक्षय खन्ना की। बहुत सारे वकील और बहुत सारे कोर्ट केसेस आपने देखे होंगे जिसमें बहुत इमोशनल अत्याचार किया जाता है, लेकिन इस फिल्म में जिस प्रोफेशनलिज्म के साथ और डिसिप्लिन के साथ इस पूरे के पूरे कोर्ट केस को लड़ा जाता है देखने लायक है। ऋचा चड्ढा की एक्टिंग अच्छी थी लेकिन अक्षय खन्ना के सामने वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम इन्फ्लुएंसिंग लगी। राहुल भट्ट ने अपना कैरेक्टर बखूबी निभाया है और मीरा चोपड़ा की एक्टिंग मुझे खास इंप्रेसिव नहीं लगी। फिल्म के सारे इंसिडेंट्स पास्ट और प्रेजेंट में बहुत अच्छी तरीके से कंबाइन किए गए हैं जिसके कारण फिल्म को देखने में एक बहुत ही अच्छा फ्लो मिलता है। फिल्म आपको एक सेकंड के लिए बोरिंग नहीं लगेगी। फिल्म के लिए अगर दो शब्द बोलने हो तो प्योर एंटरटेनमेंट है ये फिल्म। ये मूवी आपको Amazon Prime पर मिल जाएगी और अगर आप एक नो ड्रामा नो बुलशिट वाली फिल्म की तलाश में हो तो दिस इज द फिल्म फॉर यू। आपको इस फिल्म में क्या अच्छा लगा मेरे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताना। मेरी वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं फिर किसी दिन किसी और अच्छे फिल्म के रिव्यू में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग। बाय।